नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप कुमार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये जो आपको सिम्टम्स की पीडीएफ दिख रही है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए याद करना शुरू करते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर हनीमन के पास एक आदमी भागता भागता आया। बोला, डॉक्टर हनीमन, मुझे लगता है मेरे पड़ोसी जो है रस्तोगी, उसने मुझे एनाकोंडा का पॉइजन दे दिया है। हनीमन, मुझे लग रहा है कि जो रस्तोगी है उसने मुझे एनाकोंडा का पॉइजन दे दिया है। इससे हमारे दो तीन सिम्टम कवर होते हैं। क्या क्या? रस्तोगी फॉर रस्टॉक्स, डॉक्टर हनीमन के पास में वो भागता भागता गया था बेचारा, ठीक है, और उसे क्या लग रहा था कि एनाकोंडा, ठीक है, एनाकार्डियेसी फैमिली, और पॉइजन दे दिया है, कॉमन नेम पॉइजन ओक। और ये इस मेडिसिन में भी है कि इस आदमी को डिलीरियम रहते हैं कि किसी ने उसको जहर दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो डॉक्टर हनीमन उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने तुमको जहर दे दिया है? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, कल रात की नहीं, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं रात को सो रहा था। अब मैं रात को सो रहा था तो क्या हुआ कि मेरे को सपने आ रहे हैं किस चीज़ के, कि अब मैं अपना जो काम है वो करने में लगा हुआ हूँ भयंकर तरीके से, है ना, स्विमिंग विमिंग कर रहा हूँ, रोइंग जो नाव चलाते हैं पकड़ के, है ना, वो कर रहा हूँ। उनको थकान हो रही है, भयंकर थकान हो रही है, ऐसे सपने आ रहे हैं उसको। तभी क्या होता है कि उसकी नींद खुल जाती है और उसको प्यास लगती है, थर्स्टी, ठीक, सेकंड पॉइंट थर्स्टी। उसके बाद में क्या होता है, वो जाता है पानी पीने। जब पानी पी रहा होता है, पानी पीने के लिए जैसे ही आ करता है और जुबान को बाहर निकालता है, वो देखता है कि उसकी जुबान की जो टिप है आगे वाली वो लाल रखी है, ना, ट्रायंगुलर शेप की लाल रखी है, और मुंह में भी एक कड़वा सा स्वाद आ रहा है। फिर उसे लगता है अरे किसी ने मुझे जहर तो नहीं दे दिया कहीं, ठीक है। फिर वो बॉडी पे चेक करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर वेसिकल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे, आप जल जाते हैं तो वो जो छोटे छोटे बन जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर पानी भरा होता है, वो वेसिकल प्रेजेंट है पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसे ऐसा लगा यार किसी ने जहर दे दिया मुझे, अब नहीं बचूंगा मैं, किसी ने जहर दे दिया, मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे दो सिम्टम कवर हो जाते हैं, ट्राइंगुलर रेड टिप्ड टंग एंड बिटर टेस्ट इन माउथ, वेसिकुलर इरप्शन ऑन द बॉडी विच स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। देन आगे बढ़ते हैं। अब उसे क्या लग रहा था कि किसी ने उसको जहर दे दिया है, ठीक है, ऐसे लग रहा था उसे, तो ये डिलीरियम रहता है उसको, डिलीरियम विद फियर एंड सस्पिशन ऑफ बींग पॉइजन। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसको जहर दे दिया है। अब क्या होता है कि वो भागता है हॉस्पिटल की तरफ, बोला अब मैं मरने वाला हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। जैसे ही हॉस्पिटल भागने के लिए उठता है वो और भागता है, तो वैसे ही क्या होता है, उसका जो पैर का टेंडन होता है वो खिंच जाता है, ठीक है, खिंच जाता है, टेंडनाइटिस हो जाता है उसको, सूज जाता है वो, और साथ ही साथ में पैर में आ जाती है मोच टेंडन के खिंचने की वजह से, ठीक है, तो उसको हो जाती है स्प्रेन इंजरी। स्प्रेन का मतलब होता है मोच, ठीक है, टेंडनाइटिस, देन स्प्रेन इंजरी। अब बेचारा ना कुछ हिल पा रहा है, ना कहीं जा पा रहा है, उसका जॉइंट है वो बिल्कुल हो गया कड़क, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट हो गई है उसके जॉइंट में, ठीक है, स्टिफनेस हो गई है उसके जॉइंट में। उसके बाद अब बेचारा पड़ा रहता है, ठीक है, अब एक ही जगह पड़ा रहता है। अब क्या उसके मन में चल रहा है, यार जहर दे दिया था, हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा, अकेला था बेचारा घर में, ठीक है, अब हॉस्पिटल जा नहीं पा रहा, तो बेचैनी हो रही है उसको, क्या करूं अगर मैं मर गया तो, कहीं, है ना, घर में अकेला मर जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई आदमी रहता था इस घर में, ठीक है। अब रेस्टलेसनेस हो रही है उसको, अब बेड पे लेटा है वहीं पे, कभी इधर पलटी मार रहा है बेचारा कि कब ये दर्द बंद हो, ठीक। तो मस्ट चेंज पोजिशन फ्रिक्वेंटली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन, और बहुत बेचैन हो रहा है, ठीक है। तो ये नेस का वन ऑफ द ट्रायो है जिसमें हमारी तीन मेडिसिन आती हैं, रस्टॉक्स, आर्सेनिक एंड एकोनाइट, ठीक। आपको अगर ट्रायोस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका या होम्योपैथी याद करने हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं जहां पर आपको सारे ट्रायोस एक ट्रिक के साथ में मिल जाएंगे जिससे आप उनको इजीली याद कर पाएंगे, ठीक है। अब रेस्टलेसनेस हो रही है उसके अंदर, बहुत बेचैनी हो रही है, करवट बदल रहा है बेचारा, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसने चलने की कोशिश की, चल के तो देखूं, ठीक है, ऐसे कब तक पड़ा रहूंगा, जहर फैल गया पूरे शरीर में तो मर जाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो उसने क्या किया, चलने की कोशिश की। तो जैसे ही चलने की कोशिश की तो पहला कदम रखा तो भयंकर दर्द हुआ उसको, बहुत भयंकर दर्द हुआ, लेकिन उसने हिम्मत की और धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो चलना स्टार्ट हुआ, सारा दर्द गायब, ठीक, सारा दर्द गायब। बहुत अच्छा लगा उसे, शुरुआत में जब उठा तो दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे चलना स्टार्ट किया तो उसको दर्द में काफी आराम मिला।
ठीक, मोस्ट कंप्लेंट आर रिलीव्ड बाई मूवमेंट एंड एग्रावेटेड बाई रेस्ट, पेन रिलीव्ड बाई वॉकिंग, कंटिन्यूड मोशन बट फर्स्ट मोशन इज ऑलवेज पेनफुल। ठीक दोस्तों, उसके बाद वो हनीमन के पास जाता है। हनीमन बोलते हैं, अरे कुछ नहीं है, ये जो जुबान तुम्हारी लाल हो गई है और ये मुंह में कड़वा टेस्ट आ रहा है, कुछ पेट की खराबी है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, किसी ने जहर वहर नहीं दिया, तुम तो घर पर जाना शांति से, ठंडा दूध पीना, ठीक है, तुम्हारा पेट बिल्कुल सही हो जाएगा और तुम्हारी टंग वंग भी सही हो जाएगी, ठीक है। डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क विच रिलीव्स गैस्ट्रिक कॉम्प्लेंट्स, घर जाता है, दूध पीता है और उसका पेट सफा, हर रोग दफा। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी को याद कीजिएगा, ठीक है, आपको सिम्टम याद होते चले जाएंगे, मेडिसिन याद होती चली जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए मिलते हैं अगली मेडिसिन के साथ में। थैंक यू।